एक बहुत सुंदर कथा है राजा नृग की कथा। जो राजा नृग है वो बहुत बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं। एक दिन की बात क्या है, वो ढेर सारा गौ माँ को बुला के रखे होते हैं दान करने के लिए ब्राह्मणों को। सारा यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसके बाद गौ मैया को ब्राह्मणों के हवाले करने वाले थे। तो जब दान करना होता है तो दान के समय एक पंडित जी की जो गाय है ना, दान करने के लिए मंगाई गई गायों के बीच में आके शामिल हो जाती है। और दान करते समय वो पंडित जी की गाय जो गैया है ना, उसका भी दान कर देते हैं। अब राजा ने तो दान कर दिया अनजाने में, थोड़ी देर में जो गाय के स्वामी थे ना वो आ पड़े और बोले तो हमारी गाय है, तुम्हारे पास कैसे? तो जो दान लिए थे बोले अरे राजा ने मुझे दान किया है। राजा से जाके पूछो तो गाय के जो स्वामी थे वो बोले कि महाराज ये गाय हमारी है, हम इसके स्वामी हैं और इसका दान आप करने के अधिकारी नहीं है। राजा बहुत याचना किए, प्रार्थना किए कि हे ब्राह्मण देव, आप कई गाय के मूल्य हमसे ले लीजिए लेकिन हमको माफ कर दीजिए। बोले नहीं, हमें हमारी गाय चाहिए। जो दान ले चुका था वो कह रहा था कि हम नहीं देंगे। दैव योग से ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है कि दान लेने वाला गौ माँ को वापस कर देता है और जिसकी गैया है ना वो भी अब उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। भाई अब तो दान कर चुके हो, अब इसे हम अपने घर नहीं ले जाएंगे। इस एक गलती के कारण वो राजा जो थे ना उनको गिरगिट बनाना पड़ा। उन्हीं का नाम है नृग। भगवान कृष्ण के राज्य में एक दिन देखा जाता है कि एक गिरगिट कुएं में गिरा पड़ा। बहुत कोशिश करके उसे निकालने की लोगों ने प्रयत्न की पर वो निकल नहीं पाया। जब भगवान को समाचार मिला तो भगवान आए और सबके सामने देखते ही देखते उस गिरगिट को कुएं से बाहर कर दिए। भगवान का स्पर्श जब उस गिरगिट को हुआ तो वो अत्यंत दिव्य शरीर धारण करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, भगवान को तो सब मालूम है, लोगों को बताने के लिए कि ये गिरगिट का स्वरूप शरीर तुम्हें कैसे मिल गया? तब राजा नृग ने बताया कि हमसे अनजाने में एक गलती हो गई थी। अब इस कथा से एक सीख लीजिए, सीख ये कि जिन चीजों को आपने उपार्जित किया है अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से ना, केवल उन्हीं चीजों का दान आप कर सकते हैं। इनाई की दान में आयल वो कोनो सामान तो रोके दान कर देते हैं दूसरे के, ये बहुत होला। घर में शादी ब्याह के समय और नेवता आकारी में साड़ी साया ब्लाउज मिले ना, इतने इतने चिरकुट टाइप के लोग होते हैं कि देखते समय सोचते भी नहीं है। शब्द बहुत खराब है लेकिन लोग ऐसी गलती करते हैं, देते समय ही नहीं सोचते कि कोई पहनेगा ही नहीं। तो एक ने दिया, दूसरे ने रख लिया और दूसरे ने भी किसी को ठिकाने लगाने के लिए पकड़ा दिया, ये बहनी लेते जा। नहीं, बहनी के तो नहीं दे सकते, बहनी के कपार फोड़ दिए, खराब चीज वो बहनी के था। लेकिन क्यों रिश्तेदारी को पकड़ा देते आदमी, ऐसी गलती मत करिए। कोई भी चीज किसी को दीजिए ना, अच्छा दीजिए, मत दीजिए और अच्छा। सरल पाकल चीज दी है, देख के आदमी का दिमाग खराब हो गया। समझ में आ रही हम क्या कहना चाहते हैं? अब पता चला कि यहाँ हिमांशु भैया के आम पेड़े पे लदल बा आम, ठीक है। अब बगल गिर के उबाइल बैठल बा, तबले बाबा जी के गुजरल तो दू टू ढेला मरने दू आम गिर गई। कने बाबा इला खा ला, काहे काहे भैया तो के कर देवे के बाद अपने घर से ला के दा, दूसरे के दरवाजे दूसरे के सामाने का दान आप काहे करेंगे? ऐसी भी गलती करते हैं लोग। हे भौजी तुम्हारे काम में कनाई बा को आइल बटे ओके दे दे, काहे भौजी के देबू तू आपन दे दो। आगे एक बहुत सुंदर कथा आती है, राजा पौंड्रक की कथा। जो राजा पौंड्रक हैं उनको किसी ने चढ़ा दिया,
तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम कृष्ण हो, कृष्ण। बस एक ही दो चीज की कमी है, दो हाथ है, दो और लगा लो, फिर चतुर्भुज कृष्ण बन जाओगे। इंटरनेट अम्मा कुछ खराब होगा तो बाद में हम उसको एडिट करके डाल देंगे वीडियो वाला, वो आज इंटरनेट थोड़ा वीक चल रहा है, छुट्टी पर होगा, ठीक है। तो राजा पौंड्रक जो है, इन्हें कोई चढ़ा दिया कि तुम कृष्ण की तरह लगते हो और कृष्ण हो, बस ये दिक्कत है कि कृष्ण के चार हाथ थे, तुम्हारे दो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो लकड़ी वाला जो काम करने वाले कारपेंटर होते ना, बढ़ई, उनको बुलाओ और वो अपना बना देंगे, जोड़ देंगे। ये मैं मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये सच्ची कथा है, इसके पीछे जो भाव है वो हम आपको बताएंगे। तो चार हाथ हो गया, फिर कोई तरकीब लगा करके भगवान कृष्ण चतुर्भुजाकार जो हैं, उनके हाथ में चक्र सुदर्शन जो है घिर घिर घूमता रहता है, तो उस समय भी कोई मोटर उटर का रहा होगा प्रभाव, तो कुछ व्यवस्था होता है, और फिर तो घिर 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 इसमें कुछ घूमता रहता था, हाँ, चक्र, गदा, पुष्प, हाँ, ये सब अपना लेके चारों हाथों में आशीर्वाद देते हुए एक हाथ। अब फिर पौंड्रक जब कृष्ण की तरह बन गए, तो उन्होंने चिट्ठी में लिख करके भगवान कृष्ण को संदेशा भेजा, असली कृष्ण को, कि हे कृष्ण, अपने आप को कृष्ण कहना बंद करो, क्योंकि असली कृष्ण हम हैं, ठीक है, ये मिथ्या प्रचार करना बंद करो कि तुम कृष्ण हो। भगवान कृष्ण बोले, तो बहुत दुष्ट आदमी है, ढेर सारी सेनाओं के साथ आते हैं भगवान, इस पौंड्रक के साथ युद्ध करते हैं और वध करके इसको मुक्त कर देते हैं, और फिर जो असली कृष्ण है वो सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब इस कथा का सार ये समझिए कि हम सबके जीवन में क्या होता है, कोई ऐसा आदमी होता है जो हमको चढ़ा चढ़ा के एकदम पेड़े के पुलुई पहुंचा देता है, पेड़ के एकदम आखिरी चोटी पर, और हम उसके चढ़ाने से चढ़ जाते हैं, चढ़ तो गए, उतरने की क्षमता ही नहीं है, फिर वहीं लटके पटके रहते हैं, उतरते समय गिर जाते हैं, पेड़ों पेड़ तो ठीक रहता है पर पांव टूट जाता है। तो हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान रहना चाहिए, कोई अगर हमको बहकाए, हमें चढ़ाए, तो हमें चढ़ना नहीं है, ठीक है, अपनी सीमा में रहना है। भगवान की एक कथा जो है वो बहुत अनुपम कथा है। भगवान कृष्ण कन्हैयालाल का मित्र कौन है पता है? कौन है बताइए? हाँ, सुदामा जी। आजकल ऐसी मित्रता नहीं दिखती है, तो आजकल हमें ना सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, अच्छा मित्र नहीं मिलता, और जो मिलते सब दगाबाज होते हैं, सब सब एहसान फरामोश, सब झूठे होते हैं, नकली होते हैं। जिंदगी में ना एक मित्र होना चाहिए, वो आपका पति भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी अम्मा भी हो सकती है, और आपका क्लासमेट भी हो सकता है, ठीक है। लड़की का लड़को मित्र हो सकेला और लड़का का लड़की हो सकेला, अभी मत सोचना उनकी लड़की है तो लड़की मित्र रही, लड़का तो लड़के मित्र रही, कौन बोलता है? मित्रता का कोई पैमाना थोड़े ना कि कौन मित्र रहेगा, थर्मामीटर लेके नहीं तय कर सकते ना, जिसके साथ आपका विचार मिलता है वो आपका मित्र हो जाता है, ठीक। भगवान कृष्ण के जीवन में सुदामा एक ऐसे सखा है उनके, जिनको भगवान ऐसा कमाल का ना उपहार देते हैं, जो शायद ही कोई कोई मित्र अपने मित्र के लिए करता हो। सुदामा जी एकदम ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, कर्मकांड में निष्ठ, तपस्वी प्रवृत्ति वाले, उनकी पत्नी सुशीला, कहीं किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं कि भैया कुछ दे दीजिए, नहीं, अपना कर्म करते हैं, स्वेच्छा से जो कोई उनको दे देता है उसमें अपना जीवन जीते हैं। कहीं से पता चल जाता है सुदामा जी की मलकिन को, पत्नी को, कि हमारे पति के ना मित्र जो है बहुत बड़े राजा हैं, तो इन्हें मालूम है कि हमारे पति देव किसी से कुछ मांग नहीं सकते, ऐसा इनका स्वभाव है, लेकिन बहुत बुद्धिमानी से
चतुराई से समझाती हैं कि मित्र किस काम आता है। ठीक है, आप कुछ मत मांगिएगा, लेकिन एक बार जाके मिल तो आइए। हाँ, और पता है मित्र किसे कहते हैं? मित्र महसूस कर ले अपने मित्र की परिस्थिति। आजकल ऐसे मित्र होते हैं महसूस करके भी अमहसूस कर देते हैं। तो सुदामा जी जब जब बार बार सुनते हैं कि एक बार मिल आई अपने मित्र से, मिल आई है, तो कहते हैं ठीक है, तुम कह रही हो तो मिल आते हैं। हमारा भी मन था, लेकिन हमको लाज लगता था, हमारा मित्र इतना बड़ा है और हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। हमें बात बता रहे थे ना शुरू शुरू में कि हम मित्रता ना अब अपने स्तर में करने लगे हैं, और मित्रता में भी हम स्टैंडर्ड को उसमें शामिल कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो सोचते हैं ना जिंदगी में कभी भगवान किसी को ऐसा बनाए ना कि दो मित्र साथ साथ खेले कूदे, एक अमीर बन जाए, खूब अमीर बन जाए, और दूसरा मान लो अमीर न बन पाए किन्हीं कारणों से। तो जो अमीर बना हुआ मित्र है ना, वो अपने मित्र के लिए इतना करे कि दुनिया दाद दे, अरे क्या मित्र है, ऐसा मित्र बनना हो। तो सुदामा जी को उनकी मलकिन कहती है जाइए मिलके आइए ना। सुदामा जी कहते देखो कैसे जाए, खाली हाथ कुछ है भी नहीं। तो बाजू से कुछ चूरा मांग के लाती है, उसको पोटली में बांध करके दे देती है। पैर में खड़ाऊ नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है। अब मित्र के तरफ जो राह है उसको पकड़ करके द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं सुदामा जी। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और अपने मन में हरि नाम सुमिरन करते जाते हैं। चलते चलते जाके इतना थक जाते हैं ना कि एक वृक्ष के नीचे वो थोड़ा आराम करने लगते हैं। और उधर भगवान अंदर यामी, उनको सब मालूम है, पल पल की खबर उनको है। तो भगवान देखते हैं कि हमारा मित्र थक गया, उसके पैरों में चोट आ गया है, तो अपने योग माया को आदेश देते हैं कि हमारे मित्र को जाओ और लेकर के आओ। तो ये लेटे हुए हैं पेड़ का ओट लेकर के, सपोर्ट लेकर के, और योग माया अपने शक्ति से इनको द्वारिका के निकट पहुंचा देती है। थोड़ी देर बाद इनकी आंख खुलती है, देख करके बहुत चक, अरे यहाँ कहाँ पहुंचा है, अच्छा चले आए होंगे। फिर वो द्वारिका के प्रवेश मार्ग पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि जाके कृष्ण से कह दीजिए कि उनका मित्र मिलने आया है। ठीक है, तो बहुत ड्रामेटिकल तरीके से गाने नहीं है, देखो देखो मित्र सुदामा आया है। तो आप लोग सारा बात ये समझिए कि जब ये कहते हैं तो कोई यकीन नहीं करता है, कोई यकीन कैसे करेगा ना, पर उसमें से एक यकीन करते हैं और जाके भगवान को बताते हैं। जब भगवान को मालूम चलता है ना सुदामा आई है, जैसे ही अस्त व्यस्त छोड़ छाड़ के दुपट्टा कहीं और गिरता है, चप्पल कहीं और गिरता है, भागते 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 आके सुदामा को गले से कलेजे से लगा लेते हैं, आंखों को खूब चपक करके उनको स्नेह करते हैं। बहुत दिनों बाद देखे हैं, अपने साथ वो राजमहल में ले जाते हैं, मंगाते हैं सुदामा के पैरों को धोने के लिए जल, कठवत, लेकिन जल को वो छूते तक नहीं है। सुदामा के हाल को देख करके ना इतना रोते हैं कि उनके अश्रु से ही सुदामा का पैर धुल जाता है, और जहां जहां चोट लगा ना सब ठीक हो जाता है। और सुदामा अपने भाग्य को खूब 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 सराहते हैं कि कैसा मुझे इतना अच्छा मित्र मिला। भगवान कहते हैं इतना दिन कहाँ थे, पहले नहीं आ सकते थे, चलो अच्छा है, लेट से है, देर आए कोई बात नहीं, कुछ हमारे लिए लाए हो। तो वो बताने में संकोच करते हैं, कैसे बताएं, इतने बड़े राजा से मिलने आए हैं और लेके आए चूरा जिसमें तनिको रस भी नहीं होला, तनिको मिठास भी बहुत ज्यादा ना होला। भगवान समझ जाते हैं और धीरे से खींच लेते हैं, और वहीं तुरंत ना दो भाग भगवान खाते हैं।
तीसरा पाक खाने जाते तो जो रुक्मिणी जी हैं आके पकड़ लेती हैं, कहती सब दे दे वो अपने खाते कुछ ना ही रही हो, हमन की कैसे जियल जाई। दोस्ती यारी ठीक बा, जितना दियले बड़ उतना बहुत बा, कृपा कर लीजिए अपने ऊपर भी। तो भगवान फिर दो पाक खाते हैं और जैसे इधर ग्रहण करते ना वैसे उधर सुदामा जी का जीवन असर एकदम से बदल जाता है। सुंदर घर, सेवक सेविकाएं, राजमहल जैसा दृश्य। सुदामा जी जो है रात भर रहते हैं, रुक्मिणी जी उनका पैर दबाती हैं, भगवान पैर दबाते हैं। देखो एक और बात है, भगवान तो भगवान है लेकिन भगवान अहिर परिवार में जन्म लिए हैं, अहिर यादव जी, ठीक है, ग्वाल वाल। तो भगवान भले हैं लेकिन उनको ये मालूम है कि व्यवहार करने समय जब व्यवहार करते हैं तो ब्राह्मण को बहुत बहुत सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो ब्राह्मण होने के नाते और मित्र तो है ही, तो दोनों की वजह से बहुत सम्मान देते हैं, पूरी बातचीत पूछते हैं, हाँ, एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। भगवान कृष्ण पूछते हैं शादी वादी हुई, बोले हाँ शादी हो गई। अच्छा तुम्हारी कितनी शादी हुई, कितनी शादी? हाँ हमारी तो बहुत शादी हुई है। सबसे मिलाते हैं और खुश होते हैं। और अगले दिन सुदामा जी कहते हैं हे कान्हा अब हम चलेंगे अपने घर को, ठीक है। बातचीत में कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हो कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए का चेक देता हूँ या 200 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है भगवान ने। हाँ सुदामा जी को भी लगा ठीक है मित्रता हो गई, मिल लिए इतने दिनों बाद, बहुत अच्छा लगा। हाँ सुशीला के कहने से कम से कम आज हम अपने मित्र से मिल तो पाए। आपको पता है कृष्ण भगवान से विदा लेकर के वापस अपने नगर को जब सुदामा जी आते हैं उनके मन में एक बार भी ऐसा विचार नहीं आता है कि हमारा मित्र तो हमको समझा ही नहीं। हम लोग अगर किसी मित्र से कोई मदद मांगते हैं और वो मित्र मदद नहीं कर पाता है तो मन में खटास भर लेते हैं कि देखा हमारा मदद समय पर नहीं कही गई। ये नहीं सोचते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या होगी, रख दो उड़ी नहीं कही, हाँ ठीक है, जय हो। तो सुदामा जी के मन में कोई खटास नहीं आता है, बताए अपने नगर को चलते चलते आ जाते हैं। नगर देखकर एकदम एकदम से अवाक रह जाते हैं, अरे ये हमारा गांव है, लग रहा है गलती से हम दूसरे गांव में चले आए हैं। तब तक उनकी पत्नियां ताड़े रहती हैं, देख रही होती है पति लग रहा है आ गए, तुरंत सेविकाओं को भेजती हैं। सेविकाएं कहती हैं कि चलिए महारानी बुला रही है। अरे कौन महारानी, हम किसी महारानी को नहीं जानते, हम अपनी रानी के पास जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ खो गई बेचारी, कहीं कहीं हमारा गांव था, समझ में नहीं आ रहा गांव हमारा कौन हो गया। बोले आप ही की पत्नी सुशीला जी अंदर हैं, अब किस्मत आपके पलट गए हैं। तो जाते हैं फिर उनकी पत्नी आरती उरती उतारती हैं, उनको प्रेम से घर में स्वागत करती हैं और इस तरह से सुदामा जी का जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है, ठीक ठीक। तो ये सुदामा जी का चरित्र है। इस चरित्र से हमको बस इतना समझ में आता है कि भगवान की जब बहुत कृपा होती है ना, बहुत कृपा होती है, तब हमारे जीवन में कोई हमको अच्छा मित्र मिलता है। सच्ची बता रहे हैं, अच्छा मित्र, अच्छा मित्र जो आपके खाली सुख में धूम धड़ाका ना करे, दुख का साथी बने। रात शाम सपने में आए, दही अपी गए रात शाम सपने में आए। रात
श्याम सपने आए।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मुकुट सिर मोर का, मेरे चितू चोर का, मुकुट सिर मोर का, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने न सरकार के कटिले है कटार के। सरकार के कटिले है कटार के।
दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के दोने ना ने ना ने ना दोने ना ने ना ने ना दोने ना सरकार के कजरे है कटार के।